नमस्कार, आपकी लाइफ के ये 5 पिलर, इनका विशेष ध्यान रखना। अगर इनमें से एक भी पिलर डिस्टर्ब हुआ ना, तो आपकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हुई। ये पिलर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यही आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इन 5 पिलर को कभी मिस मत करना। मैं तो कहता हूं, एक भी पिलर को मिस मत करना। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कभी भी इनको मिस नहीं करते हैं। इन पर हमेशा ध्यान देते हैं, तभी वो टॉप पर पहुंचते हैं, तभी वो जीवन में जो सफलता पाना चाहते हैं वो पा लेते हैं। तो ये 5 पिलर क्या है जो आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको भी अपनी मनचाही सफलता पानी है, अगर आपको भी दुनिया में कुछ नाम करना है, कुछ समथिंग डिफरेंट करना है, तो इन 5 पिलर पर जोर देना होगा। और वो 5 पिलर क्या है ये देखिए। सबसे नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका माइंड। आपका माइंड ही है जो आपको सही रास्ते पर ले जाता है और जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। आपका वो माइंड ही है जिसमें पॉजिटिव थॉट आते हैं और जिसमें नेगेटिव थॉट आते हैं। कहते हैं ना कि जैसा मन वैसा कर्म। अपने माइंड को सही रखना, क्योंकि आपका माइंड ही आपको ऊपर पहुंचाएगा और आपका माइंड ही आपको नीचे पहुंचाएगा। अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव थॉट मत आने देना, और नेगेटिव थॉट आए तो भी नेगेटिव थॉट पर पॉजिटिव थॉट भारी करना। नेगेटिव थॉट तो हर इंसान के जीवन में आते हैं, चाहे वह इंसान बिल्कुल निम्न स्तर का हो, चाहे वह इंसान मध्यम वर्ग का हो, और चाहे वह इंसान बहुत बड़ा पैसे वाला हो। नेगेटिव थॉट तो सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन जो बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट के ऊपर पॉजिटिव थॉट भारी करते हैं, तो नेगेटिव थॉट दब जाते हैं। और मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय क्या करते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं तो बहुत उसी नेगेटिव थॉट में घूमते रहते, क्या करूं क्या नहीं करूं, बस ऐसे ही करते रहते। तो सबसे पहले अपने माइंड को पावरफुल रखना, अपने माइंड को कभी डिस्टर्ब मत होने देना। जो भी है, जो आपका माइंड है, और जो भी करेगा आपका माइंड करेगा। तो इन 5 पिलर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंड, इसको व्यवस्थित रखना। अगर आपका माइंड सही रहा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेकंड, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी लाइफ का। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, अपनी हेल्थ को सही रखना, अच्छा हेल्दी फूड खाना, रोज एक्सरसाइज करना, रोज मेडिटेशन करना, रोज योग करना। आपकी हेल्थ सही है तो कोई सा भी लक्ष्य हो, पहाड़ सा लक्ष्य हो, आप पालोगे। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप रोज बीमार रहते हो, आपका रोज माइंड डिस्टर्ब रहता है, तरह तरह की बीमारियां आपके अंदर घर करती है, आपको आलस आता है, तो फिर आप अपना लक्ष्य कैसे पाओगे। तो फिर आप अपनी जो टारगेट आपने अचीव किया है अपनी लाइफ में, आप कैसे पाओगे। बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ना, सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं। वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, और अपने हेल्थ को इंप्रूव करते हैं डेली। उनको पता है कि सब कुछ है हमारी हेल्थ है। बहुत सारा पैसा होगा, अगर हेल्थ नहीं होगी ना, तो पैसा भी कुछ काम का नहीं होगा। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। अगर हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आपकी लाइफ का ये पिलर टूट जाएगा, और ये पिलर टूटेगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओ। थर्ड, अध्यात्म पर ध्यान देना, ध्यान रखना। ईश्वर पर जरूर विश्वास रखना, उस सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखना। मेहनत करना, लेकिन अपनी मेहनत का फल उस सर्वशक्तिमान पर छोड़ देना। रोज मेडिटेशन करना, रोज आपके जो भी आप जिसको भी मानते हो उनका थोड़ा बहुत ध्यान करना और मेडिटेशन करना, योग करना, इससे आपका माइंड शांत रहेगा और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर पैदा होगी।
पूरा शरीर आपका उत्साह से भर जाएगा, एक अध्यात्म की शक्ति आपके अंदर पैदा होगी और यही शक्ति आपको कुछ नया करने के लिए, आपको कुछ डिफरेंट करने के लिए प्रेरित करेगी। तो अध्यात्म भी आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट पिलर है, इसका बहुत ध्यान रखना। फोर्थ, अपने रिलेशन अच्छे रखना, ध्यान रखना सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। समय देना अपने बच्चों को, समय देना अपनी पत्नी को, समय देना अपने माँ बाप को, थोड़ा समय देना अपने दोस्तों को, थोड़ा समय देना अपने समाज को और थोड़ा समय देना खुद को। आपके रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। आपके पास सब कुछ है और आपके पास रिलेशन नहीं है, यार नहीं है, दोस्त नहीं है, आपके पास आपके घर के लिए टाइम नहीं है, तो वो फिर क्या मतलब। आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपकी लाइफ परिपूर्ण नहीं होती है, तो थोड़ा वो समय अपने परिवार को देना और अपने रिलेशन अच्छे रखना। एंड लास्ट, पैसा, वेल्थ लाइफ में आए हो ना, तो पैसे पर भी ध्यान देना, पैसे को भी बचाना और पैसा कमाना ध्यान रखना। आज की दुनिया है ना, पैसे पे डिपेंड है सब कुछ। अगर आपके पास पैसा होगा ना, तो इज्जत होगी, शोहरत होगी, सब कुछ होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना, तो कोई भी आपको पूछेगा नहीं, कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा, आपकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो पैसे पर भी ध्यान देना, पैसे कमाने पर भी ध्यान देना। तो आपकी लाइफ के ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। इनमें से एक भी पिलर टूटा ना, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हुई समझो।